दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आप किस तरह से देख रहे हैं गढ़वा के विकास को? अभी हम चर्चा कर रहे थे, पहले धीरज जी से बातचीत हुई, फिर कंचन जी से बातचीत हुई। आप सबसे पहले आप अपने अपनी राय बताइए कि गढ़वा को लेकर क्या कहेंगे आप? पहले के पूर्वोत्तर में जो अपना यहाँ का जो विधायक और स्थानीय जो विधायक है मंत्री जी, बहुत सारा लंबा लिस्ट निकाल करके लोगों को बतलाने का काम किया है जी। लेकिन हम बतलाना चाहते हैं कि गढ़वा में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ के विधायक और यहाँ मंत्री साक्षर जो इन्होंने बिल्डिंग कही, जो बात इनका विभाग है स्वास्थ्य पीएचडी मंत्री, एक मिनट थोड़ा सा माइक जी, आप अपनी बात जारी जी। पेयजल मंत्री होने के नाते जी, सबसे पहली प्राथमिकता उनको ये थी कि गढ़वा जिले में ये ड्राई जोन में आता है पूरा जिला, सबको समुचित सुविधा अनुसार पानी का जो समस्या है इसको दूर करना चाहिए था। उन्होंने इस मुद्दे पर एक भी काम कहीं तक किया ही नहीं, और आप देखेंगे कि बरसात के समय में भी बरसात समुचित ढंग से इस जिले में कभी बारिश नहीं होते आया है। केंद्र सरकार का एक योजना है कि अभी जो 1200 करोड़ से एलएनटी कंपनी यहाँ काम कर रही है कि जो ये सोन नदी जो कन्हर है जी, वहां से पाइपलाइन से पूरे जो चेकडैम है, सभी तालाब हैं, इसको भरने के लिए एक योजना पे काम चल रहा है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि 80% तक काम पूरा हुआ है जी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यही जब यहाँ का विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तो टैंकर से पूरे गांव-गांव तक ये पानी देने का काम करते थे। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब ये विधायक बन गए और मंत्री हो गए तो लोगों को वो टैंकर भी बंद हो गया, वो तो मिलता नहीं है। और पीएचडी मंत्री होने के नाते समुचित जो पानी का सुविधा लोगों को देना चाहिए था, पेयजल का, वो अब सारा सारा बिल्कुल बंद हो चुका है। इस बीच में पूर्व की सरकार ने, जब एनडीए की सरकार थी, तो उसका पानी लाने के लिए शहर में जो पाइपलाइन से जो रहला सह रहा था वो अब कंप्लीटेड हो चुका है, उसके माध्यम से अब गर्मी में मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन वह निरंतर नहीं मिल पा रहा है जी। वो कई कई दिन, 15 दिन भी, 20 दिन भी लग जा रहा है, 20 दिन तक तो आदमी जीवित नहीं रह सकेगा। लेकिन आज भी यह समस्या गढ़वा शहर ही नहीं पूरे जिले के लिए बना हुआ है। और जैसा कि लोग अपना बिल्डिंग अभी जो दिखला रहे हैं, एक समाहरणालय बन गया, टाउन हॉल बन गया, बस स्टैंड बन गया, तो ये बिल्डिंग जो है ना, विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। आप शहर को या गांव के लोगों को जब तक से आप रोजगार नहीं देंगे, तो वो जब कमाएंगे नहीं, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो इसका क्या कोई मतलब नहीं है। आप पानी दे नहीं रहे हैं, खेतों में पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे युवक जो हैं सभी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, आप देखे होंगे कि जेपीएससी का एग्जाम का जो पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरी के इंतजार में हजारों लाखों युवा जो है बेरोजगार सड़कों पर सरकार के लिए प्रदर्शन करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जो बाप और माँ गरीबी से उभर करके और पैसा किसी तरह से इकट्ठा करता है, वह आदमी जो है ना, रांची हो या पटना हो या किसी अन्य शहर में उसको भेजता है पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन राज्य में हो क्या रहा है? राज्य में यहाँ पर जेपीएससी का चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो रहा है तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, पता चल रहा है कि ये एग्जाम तो कैंसिल हो गया। उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, उस पूरे परिवार के लिए जितना बड़ा दुखद भरा ये सदमा से कम नहीं है। इस स्थिति में कई लोग आत्महत्या भी करने पर बेहोश हो जा रहे हैं। दूसरा तरफ आप देखेंगे कि सरकार जो चुनाव पूर्व इन्होंने जो वादा किया था, पूरा लंबा मैनिफेस्टो है, हम लंबा मैनिफेस्टो पर नहीं जाना चाहते हैं। इनका वादा था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इनका वादा तो ये टैंट फीस हो गया। दूसरा वादा था कि अगर हम रोजगार नहीं दे सके तो इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5000-7000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं को इन्होंने वादा किया था चौका चूल्हा चौका के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह हम महिलाओं को देंगे। 3 लाख का योजना का जो अभी जो अबुआ आवास लाए हैं, वो अबुआ आवास के नाम पर भी यहां पर बहुत सारे बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हो रही है।
योजना तो ले आए। चले दीपक जी, ये बातें ठीक है कि इन चार सालों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे झारखंड बने 24 सालों की बात अगर की जाए तो एक लंबा वक्त गुजरा है। और इस मायने से भी अगर देखा जाए तो गढ़वा तो काफी पीछे है। हम सिर्फ एक शख्स को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, लेकिन विकास की दौड़ में, हाँ ये बात आपकी सही है कि बिजली पानी मूलभूत जरूरतें हैं, तो साथ ही आप ये भी बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए था, जहाँ कमी रह गई है। जी, पीछे की भी सरकार बहुत सारे काम यहाँ पे गढ़वा जिला में किया है जी, और उसी का नतीजा है कि जो ये पाइपलाइन जो बिछ रहा है जी, पूरे अब गांव देहात को जो बड़ा बड़ा जो तालाब है उसको पानी भरपूर मिलेगा जी। दूसरा, अभी हमारे एक बड़े भाई अभी बोल रहे थे कि बिजली अब 24 घंटा मिलने लगी है, लेकिन वो अब भी जो है ना एनडीए की सरकार में ही वह आपका योजना आया था, भले इन लोग फीता उसका काट दिए हों जी, और इससे ज्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। आज सड़क और बिल्डिंग इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इससे कमीशन और जो पीसी है ना इनके तक पहुंच सके। बिल्डिंग के काम करने का ही मूल रूप से एजेंडा है। और दूसरा तरफ मैं बतलाना चाहूंगा कि जो बिल्डिंग बन रहा है दबंगता के आधार पर, आप बस स्टैंड की बात कर लें, वो बस स्टैंड वो जीएम लैंड की जमीन नहीं है, वो गौशाला कमिटी का जमीन है, और उसमें एक व्यक्ति और आते हैं, एक इंदल बैठा जी है, उनका वो रैयती जमीन है और खतियानी जमीन है। आप दबंगता के आधार पर उसमें जबरदस्ती आप बस स्टैंड बना दिए, जमीन जीएम लैंड की नहीं है, और उसके बावजूद भी जो लोग विरोध कर रहे थे उनको पकड़ करके थाने में बंद कर दिए। ये दुर्भाग्य है। आप देखेंगे शहर में अभी जो एक स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्टेडियम तो बन गया लेकिन वहां पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग जहां बन पाता वो मुख्य सड़क जो है पीडब्ल्यूडी के सड़क पर इन्होंने दुकान बना दिया, एक भी साइकिल लगाने का व्यवस्था नहीं है। अब कैसे उस पार्क में आप जा सकेंगे, जो बाइक आएगा कार आएगा कैसे जाएंगे, इस चीज को बाहर में इनको बनाना चाहिए था। और दूसरा, नगर निगम का भी जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार आप देखेंगे कि हर शहर में एक न कम से कम शहर में एक जो खुला मैदान होना चाहिए था, लेकिन आप तो एक में टाउन हॉल बना दिया, एक में सब्जी मार्केट लगता है। दूसरा जो है कि एक स्टेडियम आप निर्माण कर दिया वो भी ब्लॉक हो गया। शहर में प्रतिदिन सुबह जो शुगर से जो या डायबिटिक पेशेंट है या और किसी तरह के जो रोगी हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह में मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, अब उनके लिए सारा चीज ये बंद हो गया। आप उसको भी ब्रेक कर दिए, इस चीज को आप बाहर को आप कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। अभी आप देखेंगे कि समाहरणालय यहां पर पुराना बना हुआ है, कुछ हिस्सा किसी के दूसरे के जमीन में बना हुआ है, लेकिन आप जाकर के 58 करोड़ रुपए का आप नया बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन का काम कर दिए, शीशा लगा दिए, एसी लगा दिए। आप देखिए कि ये ग्रामीण क्षेत्र में जितना शहर बसता है, दुकान में भी अगर कोई ग्राहक आते हैं तो शीशे की दुकान में कोई घुसना नहीं चाहता, अंदर प्रवेश नहीं करता है, वो बाहर से ही दुकान के अंदर निहारते रहता है। आप इतने बड़ा समाहरणालय बना दिए, उसमें आम लोग जा नहीं सकेंगे। और अफसरशाही आज इतना हावी है पूरे जिला में, आप देखेंगे इतना हावी है। आप ब्लॉक का भी कभी मुआयना कर लें, आपका जमीन जो रैयती जमीन है, अगर 2 डिसमिल बेचने की बात होगी जिसका कीमत 10 लाख होगा, तो 10 लाख के हिसाब से एलपीसी बनाने का वहां रेट तय होता है। लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए तक आपको एलपीसी में आपको वहां पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एलपीसी बनेगा और वह जमीन का आप बिक्री कर सकेंगे। ये ऐसा सिस्टम यहां पर माननीय मंत्री जी याद कर दिए हैं, दबंगता के आधार पर यह सिस्टम चल रहा है। बहुत लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो देखिए, एक तो बात यह भी है कि अगर वाकई में इस तरह की चीजें हो रही है तो उसके लिए तो जनता भी देख रही है और उसके लिए कानून है अगर गलत हो रहा है तो जी। सवाल यह है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा और उसमें कमी कहां रही, आखिर ऐसा क्या होना चाहिए था जो इस बार नहीं हो पाया? क्योंकि देखिए, मंत्री जी अगर बने थे तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि जैसे जो बिजली की समस्या है या जो आप हम जो देख पा रहे हैं कि बच्चियां अभी भी शाम सुबह सर में पानी के मटके ढोकर दूर दूर से लेकर आ रही हैं, तो उनका समाधान कैसे संभव है? यही तो दुर्भाग्य है कि माननीय पेयजल मंत्री हैं, अभी आप जो देखें, हम एक और घटना बता दें, यहां से कुछ ही दूर पे जी एक लोटो भदुमा गांव है जी, वहां पे जब हम बैठक करने गए थे तो अभी 16-17 वहां पे ये जल मीनार का जो टावर है ना वो पिछले 3.5 साल से अधूरा बन करके और उसी से ब्रेक हो गया है, पैसा निकासी हो गई, लोगों को पानी आज तक नसीब नहीं हुआ।